अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे थे। आज हम इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, एवोमीटर मल्टीमीटर। स्टूडेंट्स, एवो थ्री वर्ड्स में कंसिस्ट करता है। ए फॉर एम्पेयर, एम्पेयर यूनिट है करंट का। वी फॉर वोल्ट, वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ओहम, ओहम किसका यूनिट है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जिससे हम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस, तीनों चीजें मेजर कर सकते हैं, उसे हम एवोमीटर या मल्टीमीटर कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स, नंबर वन। नंबर टू, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। नंबर थ्री, रेजिस्टेंस इन ओहम्स। इस कॉल्ड एवोमीटर या मल्टीमीटर भी इसे कहा जाता है। ये साइड पर डायग्राम में हमारे पास एक एवोमीटर दिखाया गया है। एवोमीटर पे ये हमारे पास एक फंक्शन सेलेक्टर स्विच है। फंक्शन सेलेक्टर स्विच का क्या काम है, अगर इसकी नॉब यहाँ पर होगी तो ये ऑफ होगा। अगर हम इसके नोब को ओहम, जहां पर ओहम लिखा हुआ है, यहां पर रख देंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर है एज एन ओहम मीटर वर्क करेगा, यानी कि वो रेजिस्टेंस मेजर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वी। वी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट को। अगर हमारे पास इसकी स्विच की नोब यहां पर प्लेस की जाएगी तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट ए। ए किसका यूनिट है, अम्पेयर। अम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का। तो अम्पेयर यानी कि हम करंट को मेजर करेंगे। फंक्शन सेलेक्टर स्विच से हम लोग इसको फंक्शन सेलेक्ट करेंगे एज एन ओहम मीटर या वोल्ट मीटर या फिर थर्ड एम मीटर। यानी कि हम तीनों डिवाइस, तीनों एक मल्टीमीटर से हम तीनों काम लिख सकते हैं, ओहम मीटर का भी, वोल्ट मीटर का भी और एम मीटर का भी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट्स। यहाँ पर वायर्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं और उस प्रॉप्स को या वायर्स को हम लोग उस सर्किट में प्लेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं जिसकी हमने रीडिंग्स लेनी होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में है हमारे पास नंबर वन सेंसिटिव गैल्वान कॉइल, गैल्वानोमीटर। नंबर टू, अ नंबर ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। नंबर थ्री, अ नंबर ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, मल्टीवोल्टमीटर। एंड नंबर फोर पर है वेरिएबल रेजिस्टर्स विद सेल। नंबर वन आप इसको देख लें कि एक हमारे पास गैल्वानोमीटर होगा। नंबर टू, हमने कुछ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया हुआ है। नंबर थर्ड पे हमने हाई रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। नंबर फोर पे हमारे पास कुछ वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं जिसे हमने सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास एवोमीटर का इंटरनल सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट, आपकी बुक में जो बनी हुई है ये डायग्राम, इसको आप स्टडी करें। पहला पार्ट होता है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, सेकंड होता है करंट मेजरिंग सर्किट, नंबर थर्ड होता है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट और ये एक फंक्शन सेलेक्टर स्विच है। फंक्शन सेलेक्टर स्विच से हम कनेक्ट करेंगे। अगर हमने एक्स वन पॉइंट पर रखा है तो हमने उसे वोल्टेज मेजरिंग सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। अगर उसको हमने एक्स टू पॉइंट पे रखा है फंक्शन सेलेक्टर स्विच को, तो वो हमारे पास करंट मेजरिंग सर्किट बन जाता है। अगर हम उसे एक्स थ्री पॉइंट पर रखते हैं तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट बन जाएगा। ये है हमारे पास एक एवोमीटर या मल्टीमीटर की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, इसके हम वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट्स को सेपरेट स्टडी करेंगे। हमारे पास वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर में नंबर वन पे है अ नंबर ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारे पास आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है एक, और एक स्विच कॉल्ड रेन स्विच। रेन स्विच का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, एक रेजिस्टेंसेस की रेंज सेलेक्ट की जाती है। अगर 0 से 5 ओम की हमारे पास या 5 वोल्ट की हमारे पास रेंज है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 5 वोल्ट,
15 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स एंड 150 वोल्ट्स। इसके रेंज कितनी है स्टूडेंट्स? 5 से लेकर 150 तक की। तो ये हमारे पास रेंज है, इसमें से रेंज स्विच का क्या काम है, वो हमारे डिजायर्ड रेंज को सिलेक्ट करेगा 5 वोल्ट्स, या अगर हमने 15 वोल्ट सेलेक्ट करना हो तो हम लोग रेंज स्विच को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आपने वोल्टमीटर की रेंज के मुताबिक रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करना है। ग्रेटर द सीरीज रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द वोल्टेज रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास एवोमीटर आल्सो मेजर्स द एसी वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टिफायर। ये हमारे पास ये वाली जो सर्किट डायग्राम है इससे हम लोग जस्ट डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमने इससे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जिसकी वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी वेवफॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होती है, ऐसे वेवफॉर्म चेंज होती रहती है। तो अगर हमने एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें एक साथ रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर का क्या काम होता है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज को डायरेक्ट टर्म वोल्टेज में डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हमें मेजरमेंट देता है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। वोल्टेज मेजरिंग पार्ट में हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया हुआ था, अब करंट मेजरिंग पार्ट में हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, इसमें भी वैसे ही है, द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ एमीटर। हमने जो एमीटर की रेंज सेलेक्ट करनी है, अगर जस्ट वो 0 से 10 एम्पीयर की रेंज है, अगर हमने 5 एम्पीयर तक का करंट मेजर करना है तो हम रेंज स्विच से इसकी इसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। द सर्किट हैज आल्सो अ रेंज सेलेक्शन स्विच SR व्हिच इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द सर्किट। इसकी सर्किट डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF V0। वी नोट वोल्टेज की हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट होती है। अब वेरिएबल रेजिस्टर जो RS है वो एक कनेक्ट किया होता है। कनेक्टेड वेरिएबल रेजिस्टर को हमने सीरीज में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG से कनेक्ट किया होता है। व्हेन द फंक्शन स्विच इज स्विच्ड टू पोजीशन X3 देन सर्किट इज कनेक्टेड विद XY टर्मिनल्स ऑफ द एवोमीटर। Before measuring any resistance, ohmmeter is first zeroed. X and Y terminals are short circuited and RS हमारे पास variable resistor है, is so adjusted to get full scale reflection. अब simple words में ये है हमारे पास X, Y terminals. जब भी आपने एवोमीटर को यूज करते हुए रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो सबसे पहले फंक्शन स्विच जो है X3 पोजीशन से कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप RS एडजस्टेबल रेजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टर है इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो था अब तक जो हमने स्टडी किया, हमने एनालॉग मल्टीमीटर को स्टडी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर की डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर। ये है आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर, ये तो आपने अक्सर अवगत अपने घरों में देखा भी होगा। जब भी आप वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसकी स्क्रीन पे डिजिटल फॉर्म में आपके पास रीडिंग आ जाती है। ये है हमारे पास एक एनालॉग मल्टीमीटर और ये है डिजिटल मल्टीमीटर। इन दोनों में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि डिजिटल मल्टीमीटर में तो आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग स्क्रीन पर आ जाती है कि इतने वोल्टेज है या एम्पीयर्स है या रेजिस्टेंस की ओम्स में बता देता है। एनालॉग मल्टीमीटर में हमारे पास एक स्केल बना होता है जिसपे हमने खुद रीडिंग देखनी होती है और मेजर करनी होती है। तो ज्यादा यूज में हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं। ये आसान भी है इसे यूज करना और इसमें एरर का चांसेस भी कम होते हैं।